नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। हमारा पहला क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बहुत एग्ज़ाम में आते हैं, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। रूट इस तरीके के 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे? इस तरीके के क्वेश्चंस आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, लगभग हर बार कभी कभी पॉजिटिव साइन वाले, कभी इसके बीच में पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव साइन वाले, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बहुत एग्ज़ाम में आते हो। तो आइए देखते हैं हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। आपको सॉल्व करने का सबसे ईजी मेथड क्या होगा? आप सबसे पहले 56 जो दिया गया उसे फैक्टोराइज़ कर लो। फैक्टोराइज़ करो, उसके बाद कुछ ऐसे फैक्टर्स में करो जो कि एक दूसरे से, जिसका कि डिफरेंस बस एक हो। मतलब 56 को आप फैक्टोराइज़ करके देखा तो एक तो आपका 156 हो गया, एक क्या होता है तो 228 हो जाएगा। फिर अगर बात करें तो एक आपका इसी तरीके से 414 और इसी तरीके से 5 नहीं 6 नहीं 7, एक आपका होता है 7 और 8। तो आपको हमने क्या बोला कि ऐसा फैक्टोराइजेशन खोजो जिसके बीच में बस एक का डिफरेंस रहे। तो 7 और 8 के बीच में बस एक का डिफरेंस है, 7 और 8। अब आपको क्या करना है कि अगर पॉजिटिव साइन रहे तो उसी को आपको आंसर लिख देना है। पॉजिटिव जो साइन रहे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा पॉजिटिव साइन क्या हो गया? पॉजिटिव साइन में जब भी रहे तो आपको जो बड़ा वाला रहे उसे आंसर लिख देना है। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 8। अब आप इसे खुद से सॉल्व करके भी देख सकते हो, आपका क्वेश्चन में है। अब आप इसमें उसे क्वेश्चन में इसे पुट करके देख लो, हो गया हमारा अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56, इसी तरीके से जाते जा रहा है। अब प्लस आप 8 रख के देखो तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 56 प्लस रूट 56 प्लस 56 प्लस 8 कितना हो गया? तो 64। तो फिर से प्लस 8, इसी तरीके से आपका लास्टली इसका आंसर 8 ही आने वाला है। तो इसका हमारा सबसे इजी मेथड क्या होगा? अगर आप इसे x मान के बनाने के शुरू करो कि x इक्वल टू हम लिखेंगे रूट 56 प्लस रूट 56, उसके बाद जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, तो उस मेथड से आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएंगे। हो सकता है कि आपके आंसर्स लास्टली तक ना आए और स्टूडेंट्स इसे स्किप करके छोड़ दे। तो आपको हमने क्या बताया कि अगर पॉजिटिव साइन रहे तो जो बड़ा वाला रहे वही आंसर लिख देना है। आपको ध्यान देना है पॉजिटिव साइन में आपको क्या करना है। अब इसी तरीके के एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। नेक्स्ट आप कोई भी चीज़ ले लो जिसकी फैक्टराइजेशन में बस एक का डिफरेंस हो। हमने आपको ये रूल किस लिए बताया? जब एक का डिफरेंस हो, जब एक का डिफरेंस नहीं हो तो ये रूल्स चेंज हो जाते हैं। तो हमने माना कि नेक्स्ट हमारे वन का डिफरेंस नहीं है, तो वन का डिफरेंस वाले और कुछ भी आप ले सकते हो। हमने ले लिया 72। अब हमने इसे किया रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस फिर से रूट 72, इस तरीके से अगर आप इसे करते जाओ, टोटली करो रूट 72 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो अब हम 72 को भी फैक्टोराइज़ करेंगे तो ये आपका किस चीज़ में फैक्टोराइज़ होगा? तो 9 और 8 में। तो हमने आपको क्या बोला कि अगर पॉजिटिव साइन रहे तो आपका बड़े वाले को लिख देने, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? तो 9। ये होता है इसे सॉल्व करने का तरीका। अब आप इसमें 9 पुट करो और आंसर्स देखो तो आपका इतना ही आने वाला है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं अगर नेगेटिव साइन हो तब, नेगेटिव साइन हो तब क्या होगा? जैसा कि हमने बोला कि अब आप ले लो नेगेटिव साइन वाले, तो हमने ले लिया 42 माइनस 42 माइनस रूट 42 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसमें भी आपको सेम अप्रोच करने हैं, इसको फैक्टोराइज करके देख लो। तो सबसे नज़दीकी फैक्टोराइजेशन हमारा क्या हो रहा है? तो 6 × 7। अब 6 और 7 में हमने आपको क्या बोला था कि जैसा कि पिछले में बताया था कि अगर पॉजिटिव साइन रहे तो आपको बड़े वाले लिखना है, बट इस बार आपके नेगेटिव साइन है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन में आपको चेंज हो जाता है रूल, छोटे वाले को लिख लेना होता है। तो हमारा आंसर हो गया 6। अब 42 माइनस 6 किया तो 36। अब आप इसे सॉल्व करके देखो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो 6 ही आने वाला है। अब इस पर भी अगर आपको माने तो आप एक आध क्वेश्चन और देख के करके देख सकते हो। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने रूट 56 लिया था, तो इसमें भी हम रूट 56 लेके देख लेते हैं, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन, तो रूट 56 माइनस रूट 56 माइनस रूट 56 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक ले लिया। अब हमने 56 को फैक्टोराइज़ किया तो 8 × 7। तो हमने आपको क्या बोला? छोटे वाले को ले लेना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। तो ये होता है हमारे इसे सॉल्व करने का तरीका। इसका आंसर हमारा कितना हो गया? तो 7। 56 माइनस 7 किया तो 49। बट अगर आपने गलती से भी इसका आंसर बड़े वाले ले लिया तो 56 माइनस 8 क्या हो जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 48। तो 48 का तो हमारा अंडर रूट स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, तो वो वहाँ पे आपको उस कंडीशन में गलत हो जाती है। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना है कि अगर पॉजिटिव साइन रहे तो आपको बड़ा वाला ले लेना है,
अगर नेगेटिव साइन ले रहे तो छोटा वाला ले लेना है। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा हमने आपको किस चीज़ पे फोकस करने बोला कि आप इसे फैक्टोराइज ऐसा में करो जो कि सबसे छोटा हो। अब आइए देखते हैं कि अगर हमारा फैक्टोराइज ना हो सके, प्राइम नंबर्स रहे, तब हमें क्या करने हैं। तो नेक्स्ट हम इसी तरीके के क्वेश्चन देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्या लेंगे हम? तो क्वेश्चन हम ले लेंगे अंडर रूट, हमने ले लिया क्या, तो 13 + √13 प्लस √13 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अब ये भी आपका इनफाइनाइट तक तो है, बट यहाँ पे क्या है, तो हमारे इसका फैक्टराइजेशन तो होता ही नहीं है, अंडर रूट 13 का फैक्टराइजेशन नहीं होता है। अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में आपको करने क्या होंगे, आप इसको क्या करो, एक इस कंडीशन के लिए एक हमारा फॉर्मूला, तो अगर पॉजिटिव साइन रहे तो आपको एक छोटा सा चीज़ यूज़ करना है, अंडर रूट 4n + 1 - 1 / 2। अब आप इस चीज़ को यूज़ करके इसके आंसर्स निकाल सकते हो। ऐसे कंडीशंस बहुत कम ही एग्ज़ाम में आते हैं, बट अगर आ गए गलती से, बिकॉज एग्ज़ाम्स का तो कोई लिमिटेशन नहीं है, इसके आगे भी पूछ सकते हैं, तो अगर आ गए तो हम क्या करेंगे, तो इसका आपको क्या ट्रिक है, अंडर रूट 4n + 1 + 1 / 2। अब ये n क्या है, तो n में मतलब हो गया जो आपका वैल्यू दिया हुआ है, मतलब 4 × 13 + 1 + 1 / 2, तो ये हमारा कितना हो गया, तो 13 × 4 = 52 + 1, एंड ये इधर हमारा बाहर है + 1 / 2, तो ये हमारा हो गया √53 + 1 / 2, तो इसका आंसर ये हो गया। अब अगर इसी में नेगेटिव साइन होते, तो जैसे कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया √5 + √ यहाँ पे हमने आपको क्या बोला, नेगेटिव साइन ले लेना है, पॉजिटिव साइन का तो हमने आपको फॉर्मूले बता ही दिया, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव ले लिया √5 - √5 - ……. तक। अब इसमें आपका कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, इसमें भी आपको बिल्कुल सेम फॉर्मूले यूज़ करना है, 4n + 1, बट यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन हो जाएगा, पिछले में आपका पॉजिटिव साइन था, अगर प्लस रहे तो प्लस साइन हो जाएगा, अगर माइनस है तो यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे माइनस करने हैं, यहाँ पे नहीं करने हैं, बस आपको कहाँ पे करने हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखना है, आपको सिर्फ यहाँ पे साइंस चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे अगर आपने चेंज कर दिया तो ये आपकी गलत हो जाएगी, आपको यहाँ पे हमेशा प्लस होने वाली है, बट वन के पहले हमारा साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √2 यहाँ भी रहने। अब आप इसे सॉल्व करके इसमें आंसर्स पुट कर सकते हो, तो √4 × 5 + 1 - 1 / 2, तो ये हमारा हो गया √20 + 1 - 1 / 2, तो इसका आंसर हो गया √21 - 1 / 2। तो ये थे हमारे आज के 4 टाइप के क्वेश्चंस, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके लगभग एग्जाम में आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइए। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।